दबंग टीम की शूटिंग को लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने आखिर यह क्या कह दिया। जी हां, मध्य प्रदेश के धार, महेश्वर, अन्य इलाकों में सलमान खान की फिल्म दबंग टीम की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। इस फिल्म में एक बार फिर दबंग की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा दिखाई देंगी। वे मध्य प्रदेश की शूटिंग में हिस्सा ले रही हैं। वैसे आजकल सोनाक्षी 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली अपनी फिल्म कलंक के प्रमोशन में भी जुटी हैं। इस फिल्म में उनका महत्वपूर्ण किरदार है। बहरहाल बात करें दबंग तीन की तो वे अपने आइकॉनिक किरदार रज्जो के रूप में ही नजर आने वाली हैं। मध्य प्रदेश में शूटिंग के एक दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक ग्लैमरस तस्वीर डाली थी और लिखा था, रज्जो वापस आ गई है, दबंग से लेकर दबंग तीन तक यह घर आने जैसा एहसास। हाल ही में सोनाक्षी ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा था कि कई फैन क्लबों ने मेरे कोलाज तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें मेरी दबंग सीरीज की फिल्मों की तस्वीरें हैं। मुझे इन तस्वीरों को देखकर खुशी हुई कि मैं आज भी 9 साल पहले वाली सोनाक्षी की तरह ही दिखाई देती हूँ। सोनाक्षी ने किरदार को लेकर अपने प्यार को यह कहकर प्रदर्शित किया कि मैं तो नींद में भी रज्जो का किरदार निभा सकती। इसके साथ ही सोनाक्षी ने यह भी जानकारी दी फिल्म में एक और एक्ट्रेस होगी, लेकिन एक्ट्रेस कौन होगी इसके बारे में उन्होंने यह नहीं बताया कि उसका नाम क्या है। उन्होंने यह कहा कि इसका सही जवाब अरबाज खान ही दे सकते। कुल मिलाकर दबंग तीन में आइटम सॉन्ग को लेकर भी बात चल रही। दबंग में आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई और दबंग दो में फेविकोल से आइटम सॉन्ग था। इन दोनों फिल्मों गानों को मलाइका अरोरा और करीना कपूर ने फिल्माया। इसी तर्ज पर अब दबंग तीन में भी धमाकेदार आइटम सॉन्ग होगा, लेकिन इसको लेकर अभी तय नहीं हुआ है कि इसे करेगी कौन। इसके लिए सनी लियोनी का नाम भी सामने आया था और इसके बाद मोनी राय का नाम भी सामने आया। सलमान की पसंद मोनी। बहरहाल अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि आइटम सॉन्ग किस पर फिल्माया जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।